अगली खबर पहलवानों को लेकर। महिला पहलवानों बृजभूषण शरण सिंह के मामले में अब नया मोड़ आ चुका है। नाबालिग पहलवान के पिता ने बृजभूषण सिंह पर लगाए गए आरोपों पर यूटर्न ले लिया। इस वक्त की स्क्रीन पर आपके सामने नाबालिग पहलवान के पिता का बड़ा बयान। कहा बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उन्होंने जो शिकायत दर्ज करवाई थी वो झूठी है। पहलवान के पिता ने कहा कि भूल सुधार मेरा फर्ज है। एसआईटी इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। बृजभूषण पर दो मामलों की जांच एसआईटी की ओर से की जा रही है। अगले सप्ताह एसआईटी को कोर्ट में रिपोर्ट सौंपनी, उससे पहले यह बयान बहुत अहम हो जाता है। 15 जून तक चार्जशीट दाखिल करेगी एसआईटी की टीम। अनुराग ठाकुर ने यह बात कही थी। बृजभूषण की गिरफ्तारी पर अनुराग ठाकुर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले के आधार पर बृजभूषण पर एक्शन लिया जाएगा। सारे विषय कोर्ट के संज्ञान में है और सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि 15 तारीख तक चार्जशीट फाइल होगी। अब चार्जशीट फाइल होने दीजिए, फिर अगर बोलना उचित होगा तो बोला जाएगा। अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। कि भूल सुधार मेरा फर्ज है। एसआईटी इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। बृजभूषण पर दो मामलों की जांच एसआईटी की ओर से की जा रही है। अगले सप्ताह एसआईटी को कोर्ट में रिपोर्ट सौंपनी, उससे पहले यह बयान बहुत अहम हो जाता है। 15 जून तक चार्जशीट दाखिल करेगी एसआईटी की टीम। अनुराग ठाकुर ने यह बात कही थी। बृजभूषण की गिरफ्तारी पर अनुराग ठाकुर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले के आधार पर बृजभूषण पर एक्शन लिया जाएगा। सारे विषय कोर्ट के संज्ञान में है और सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि 15 तारीख तक चार्जशीट फाइल होगी। अब चार्जशीट फाइल होने दीजिए, फिर अगर बोलना उचित होगा तो बोला जाएगा। अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बोलना चाहिए।